क्या आपको पता है जो याओ वीमेन होती हैं उन लोगों के बाल 6 फीट लंबे होते हैं और बुढ़ापे तक उन लोगों के बाल बिल्कुल भी लंबे, घने और काले रहते हैं। 80 साल तक उन लोगों के बाल, 80 इयर्स तक उन लोगों के बाल बिल्कुल भी काले रहते हैं, सफेद नहीं होते हैं। और याओ वीमेन इन सारी चीजों का श्रेय राइस वाटर को देती हैं। वो लोग बहुत ही कम एज से, बहुत ही अर्ली एज से राइस वाटर का यूज करना शुरू कर देती हैं अपने बालों में, जिसकी वजह से उन लोगों के बाल झड़ते भी नहीं है और बुढ़ापे तक बाल काले भी रहते हैं। एटलीस्ट 80 ईयर्स तक उन लोगों के बाल काले रहते हैं और बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और इसीलिए आजकल हर जगह लोग राइस वाटर का यूज करते हैं अपने बालों में। देखिए, राइस के अंदर ना बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका बाल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ जब आप राइस वाटर अपने बालों में लगाते हैं तो वो आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है प्रोटीन का, जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत सारा फायदा देता है। फर्मेंटेड राइस वाटर का यूज करते हैं अपने बालों में तो ये और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फर्मेंटेड राइस वाटर का जो पीएच होता है वो एग्जैक्टली मैच करता है आपके बालों के पीएच से। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 तरीके का राइस वाटर शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो होने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ प्लेन फर्मेंटेड राइस वाटर नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ राइस वाटर शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही अलग होने वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है या फिर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, कई बार बाल रिग्रो नहीं करते हैं, तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 तरीके का फर्मेंटेड राइस वाटर बनाना बताऊंगी, एक बहुत ही इफेक्टिव सा राइस हेयर मास्क भी बताऊंगी, जो आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि सच में वर्क करती है। हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए इंटरनल केयर बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टाइम टाइम से हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले राइस वाटर को बनाने के लिए हमें अनियन पील चाहिए। यहाँ पे गाढ़े कलर की जो प्याज आती है उसका छिलका आप ले लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर होता है और सल्फर केराटिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और आपके हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आप अनियन का छिलका ले लीजिए। उसके बाद आपको एक अलग कटोरी में दो चम्मच के बराबर या फिर 2.5 चम्मच के बराबर आप कोई भी राइस जो भी आपके किचन में है वो ले लीजिए आप, ठीक है। इसको वॉश कर लेना है। राइस के अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड भी केराटिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ राइस के अंदर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको इनोसिटॉल बोलते हैं, या आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। साथ ही साथ ये आपके बालों को फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो राइस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमें क्या करना है कि एक कांच की बॉटल ले लेनी है, उसमें राइस धुल के उसको डाल दीजिए, प्याज का छिलका धुल के डाल दीजिए। अब क्या करना है आपको कि इसको अच्छे से भर देना है पानी से। अब आप इसको अच्छे से बंद कर दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को दो और राइस वाटर बनाने का तरीका बता देती हूँ। दूसरा राइस वाटर बनाने के लिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर राइस चाहिए। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने हैं, उसमें पहला इंग्रेडिएंट है हमारा भृंगराज लीव्स। यहाँ पे मैंने ड्राई भृंगराज लीव लिया हुआ है इस तरीके का। देखिए, जो भृंगराज होता है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों को काला बनाता है, हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, झड़ने से भी रोकता है बालों को। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्रह्मी लीव्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ब्रह्मी का भी मैंने ड्राई लीव्स लिया हुआ है, पाउडर की बजाय इस तरीके की लीव्स ली हुई है मैंने यहाँ पे। ब्रह्मी भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके बालों को झड़ने से भी बचाती है, साथ ही साथ हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अभी आपको कांच के एक बॉटल में इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। उसके बाद जो हमने राइस को वॉश किया है उसको इसमें डालना है और अभी आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल के इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको यूज़ करिएगा। यूज़ करने का तरीका एक ही बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट राइस वाटर बनाने का तरीका बता देती हूँ।
इस राइस वाटर को बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारा ऑरेंज का छिलका। सबसे पहले आप ऑरेंज का छिलका ले लीजिए, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए, धुल लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है। और वैसे भी छिलका तो हम लोग फेंक ही देते हैं, तो इसको यूज़ कर लीजिएगा। अब इसका छिलका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिस तरीके से ऑनियन का छिलका होता है ना, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। अब आपको क्या करना है कि कांच के एक बॉटल में इन सारी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को, राइस को और ऑरेंज पील को अच्छे से इसमें डाल लीजिए। ऑरेंज का छिलका मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। अब इसमें भी आपको पानी भर लेना है, इसको बंद करिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप। उसके बाद ये जब अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तब आपको इसको लगाना शुरू करना है। तो अभी देखिए, अब मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बता देती हूँ। 24 घंटे के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुकी हैं और यहाँ पे देखिए, ये जो ओनियन वाला हम लोगों ने राइस वाटर बनाया था, इस राइस वाटर का कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है, इसका भी कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुकी हैं। पानी के कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो भी इसमें इंग्रेडिएंट है ना, सबका एसेंस इस पानी में आ चुका है, ये अच्छे से फर्मेंट भी हो चुका है, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैंने तीनों राइस वाटर बना लिया है और ये अच्छे से फर्मेंट भी हो चुका है। अगर आप इन राइस वाटर का यूज़ करेंगे ना, तो आपका बाल बहुत जल्दी रिग्रो करना शुरू कर देगा, बालों में गजब की शाइन आती है इसको लगाने के बाद, और आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये तो मैंने विजिबली देखा है, मैं आप लोगों को अपना बाल भी दिखाऊंगी यूज़ करने के बाद, ठीक है। आपको रिजल्ट मेरे बालों में खुद ही दिखेगा। अभी देखिए क्या करना है कि इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अब ये जो बच गया उसको फेंकना नहीं है, उसको आप साइड में रखिए। अब इसमें आपको ग्लिसरीन ऐड करना है, और उसके बाद ग्लिसरीन ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो 5 ड्रॉप के बराबर मैंने ग्लिसरीन डाला है और 1 चम्मच के बराबर इसमें एलोवेरा जेल मैंने डाला है। अब देखिए, अगर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं राइस वाटर यूज़ करने के बाद, तो अगर आप इस तरीके से राइस वाटर यूज़ करेंगे तो आपके बाल कभी भी ड्राई नहीं होंगे। अभी 2 मग प्लेन वाटर में इस राइस वाटर को आप डालिए ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आप पहले शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में, उसके बाद अपने बालों में अच्छे से इस राइस वाटर को इसी तरीके से लगा लीजिए। 20 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़िए, उसके बाद फिर से प्लेन वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो और राइस वाटर हैं इनको भी लगाना है। तो राइस वाटर आप अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अब ये जो चीज़ें बच गई हैं इनको थ्रो नहीं करना है, तो आप इनको बचा के रखिए, मैं बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इस राइस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो हमने राइस वाटर बनाया था उसमें से जो चीज़ें बच गई हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ एक तरीके का राइस वाटर बना रहे हैं उसमें जो चीज़ें बच गई हैं आप उनका यूज़ करिए। मैंने 3 तरीके का बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं तीनों तरीके का थ्रो नहीं करने वाली हूँ, मैं एक ही साथ कंबाइन करके इसका हेयर मास्क बनाने वाली हूँ, ठीक है। इसमें 1 चम्मच के बराबर मैं आंवला पाउडर भी डालूंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको आप फ्लेम पे रखिए। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है ना, बॉयल हो जाता है, 5 मिनट और आप वेट करिए, आँच को धीमी रखिएगा, 5 मिनट और वेट करिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब हमें क्या करना है कि इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अब हमें क्या करना है, ग्राइंडर में डाल देना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब ये ग्राइंड हो जाता है तो इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया। ये हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है, और जो भी चीज़ें आपने राइस वाटर बनाने के लिए यूज़ की हैं उसका आप रीयूज़ कर सकते हैं, उसको थ्रो नहीं करेंगे आप, तो अच्छा होगा। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। राइस वाटर और ये राइस हेयर मास्क यूज़ करने के बाद आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं, आपको शाइन दिख रही होगी, साथ ही साथ आपको मेरे बाल हेल्दी लग रहे होंगे। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा, बालों की थिकनेस इस हेयर मास्क को लगाने से हमेशा इंक्रीज हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं। तो इस हेयर मास्क को आप ज़रूर ट्राई करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो मैं फर्मेंटेड राइस वाटर 15 दिन में एक बार जरूर यूज़ करती हूँ, और जो राइस मास्क है इसको भी 15 दिन में एक बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि राइस को थ्रो करने से अच्छा है कि उसका आप हेयर मास्क बना लीजिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।